दोस्तों काम की बातों के अंतर्गत आज मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइफ हैक्स क्या हैं, आपके जीवन में इनका क्या उपयोग हो सकता है, ये आपके जीवन में कैसे काम आ सकते हैं और क्या क्या ऐसे लाइफ हैक्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए या जिनको आपको अपनाना चाहिए। नंबर एक, दोस्तों अगर आपके पास समय कम है तो कुछ भी नया ट्राई करने से बचें। कुछ भी ट्राई तभी करें जब आपके पास पर्याप्त समय हो। नंबर दो, अगर आपको दोस्तों से अपनी बात मनवानी है तो आपको प्यार से पेश आना पड़ेगा। आपको जिससे बात मनवानी है उसके सामने विनम्र रहना पड़ेगा, सज्जन दिखना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात मानेगा। आपका प्रभाव उस पर अच्छा पड़ना चाहिए। नंबर तीन, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है और आप करवटें बदल रहे हैं, आप नींद के लिए परेशान हो रहे हैं, बिस्तर पर यूं ही लेटे हैं, तो आपको 100 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। देखिए परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। नंबर चार, जब कभी भी आप परेशान हो, बेचैन हो या अंदर से आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तब आपको संगीत सुनना चाहिए। अगर आपको गाने बजाने का शौक है तो गुनगुनाना चाहिए या प्रॉपर वे में गाना चाहिए। नंबर पांच, जब आप अकेले हो और आपका काम में मन ना लगे तो अपने सबसे करीबी दोस्त या अपने सबसे चहेते व्यक्ति को फोन पर बात कर सकते हैं। इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन को खुशी मिलेगी। नंबर छह, जितना हो सके जीवन में निगेटिव व्यक्तियों से दूर रहें। जो धोखेबाज व्यक्ति हैं उनके आसपास भी ना फटकें, उनसे किसी तरह का रिलेशन ना रखें, उनको कभी भी अपने जीवन में एंट्री ना दें। वो आपके लिए परेशानी का सबक बन सकते हैं, आपके जीवन में आपको धोखा दे सकते हैं, आपको दुखी कर सकते हैं। नंबर सात, आपको जो भी बातें जीवन में पसंद नहीं है, जो भी बातें आप जीवन में पसंद नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए कभी ना करें। बात छोटी सी है, सब जानते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों ये जीवन की 7 बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आपको दूसरों से अलग खड़ा कर सकती हैं, आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती हैं, आपको जीवन में वो सब दे सकती हैं जिनकी आप कामना करते हैं। बिना मतलब के निगेटिविटी को ओढ़ना, बिना मतलब के झूठे मक्कार व्यक्तियों के साथ रहना या बिना बात के अपने आप को परेशानी में डालना कहीं की कोई अकलबंदी नहीं है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।